नमो नुवै सौवर्यन्तानम् नमो नुवै सौसुदानम् नमो नुवै सौवायिर्यानम् नमो नुवै सौजायनम् नमो नुवै सौत्रिकालवति श्रावणम् ओमकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जयन्ति योगिन कामदम् औषधम् चैव ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् गोकुमोमि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समर्पणाय दौलत राम जी स्वरूप उसको मौन श्लोक स्वरूप आचरण चारित्र उसको यहाँ शुद्ध उपयोग कहते हैं। जो आत्मा है शुद्ध चैतन्य अनाकुल आनंद ने शुद्ध स्वरूप है, परमात्म स्वरूप अपना उसमें विराजमान हुआ आत्मा है। उनका आप एक विकार आचरण है, अशुद्ध उपयोग का आचरण है। शुभ अशुभ भाव जो है अशुद्ध उपयोग का आचरण है, जड़ की क्रिया है अजीव का पर्याय का वो आचरण है। जड़ की अवस्था आत्मा अपना शुद्ध स्वरूप एक समय में ज्ञायक ऐसी दृष्टि होकर अंदर में स्वरूप आचरण चारित्र को प्रकट करते हैं तो उसको निख्यात अनंतानुमंदी का अभाव होता है। पहला संयत अनुभव दृष्टि प्रथम धर्म प्रगट होता है, प्रथम धर्म प्रगट होता है तब आत्मा इस शुभ शुभ परिणाम की रुचि छोड़कर अपना स्वरूप की खोज में पड़ते हैं। आया मुकुंद जी खोज क्या पहचान अंदर में मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। शरीर वाणी मन नहीं उन पाप का विकल्प उठते हो एक पर मैं नहीं तो मैं कौन हूँ, ऐसा अंतर में स्वरूप की समझन करने में अथवा स्वरूप की खोज में प्रतिकरण आ क्या चीज है। ऐसी चीज तरफ सन्मुख होते हैं उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है और साथ में स्वरूप आचरण चारित्र भी साथ में प्रकट होता है। समझ में आया स्वरूप चारित्र यानी पंडितों से अनंत अनुमंदी कौन ही कहिए स्वरूप आचरण में घात करे तेने अनंत नियम भाई आते नियम बांटो तो करो भाई आते प्रभु की कमाई हाँ मत वही पर आप आ लगे प्रभु की का चालती गोपालदास लगे गोपालदास में क्या स्वरूप आचरण पर तो हजी का शुद्ध आत्मा अनुभव चाली क्या तो शुद्ध एटू रखें अनंत अनुबंधी कोने के क्या खुलासो अनंत अनुबंधी किसको कहे अनंत बंध संसार का पहला कसाय भाव है, अनंत संसार का कारण उसका पहले आत्मा में सूक्ष्म बात है भाई। अनंत काल से उसने संयक दर्शन में स्वरूप आचरण कोई भी कभी प्रकट किया ये प्रकट हुए बिना उसको अंतर में संबर निजरा होती नहीं। समझ में आया तो कहते हैं कि भगवान आत्मा शुद्ध पिंड चैतन न्याय घन आनंद उसका सन्मुख होते हैं जो शुद्ध स्वरूप की अंतर में प्रतीति होना वो तो सम्यक दर्शन और शुद्ध स्वभाव का ज्ञान होना आत्मा
आत्मा ऐसा ज्ञान और शून्य ज्ञान और उसमें लीनता होना, एकाग्रता से लीनता होना, और स्वरूप आचरण चरित्र जो मिथ्यात ने अनंत अनुबंधी के अभाव से प्रसन्न होता है। तो भाई बहुत झीणी बात है, हो क्या आ क्या आंबड़वा मड़े में चीज मड़े क्या पैसा पैसा नो आखो दी धंधा धंधा नो क्या भाई दया पालो भक्ति करो पूजा करो आ व्रत पाओ में आया वो शुभ भाव है, शुभ भाव है होता है, आत्मा उपाय उपाय है नहीं है। उपाय तो वो आत्मा का आ उपाय करते हैं तब व्यवहार रत्न त्रय आदि विकल्प है उसको बाह्य निमित्त तरीके गिनने में आते हैं। रतनलाल जी आप समझने की आप चीज है स्वरूप आचरण चारित्र यहाँ कैसी दशा होती है वो बात करते हैं कि जिस स्वरूप आचरण चारित्र में नवमी ध्यान ध्याता देह चिन्ह के भेद नहीं होते हैं। समझ में आया पहले तो वो कही गया था ना कि ध्याता ध्यान देह को विकल्प नहीं है, पहले आया ना मूल पाठ में कुछ अर्थ चलते हैं। मैं ध्याता ध्यान करने वाला ध्यान एकाग्रता और अध्येय पूर्ण स्वरूप ऐसा भेद रूपी विकल्प राग है वो भी अंतर स्वरूप की एकाग्रता काल में कि राग स्वरूप आचरण में रहते हैं, ये राग नहीं रहते हैं, बुद्धि पूर्वक राग नहीं रहते हैं। प्रथम स्वरूप आचरण में मैं ध्यान करने वाला जाता हूँ, अध्यान है और देह शुद्ध स्वरूप मेरे देह है वो भी एक विचार विकल्प राग है। जिस स्वरूप की अंतर्दृष्टि में शुद्धता का ध्येय बनाकर ध्येय है सही नहीं पर अंतर शुद्ध स्वरूप तरफ सन्मुख होने से मैं सन्मुख होने वाला न सन्मुख में कर होता हूँ ऐसा भी जहाँ राग का भेद बुद्धि नहीं रहती ज्ञाता ध्यान भेद तीन का भेद नहीं होता जहाँ वचन का भेद नहीं। ज्ञाता ध्यान करने वाला चौथे गुण स्थान में पांच में के सात में भी अपना स्वरूप ध्यान में लेते हैं तब शुद्ध चैतन्य मूर्ति अखंड अभेद उतर्भ का जमाव एकाग्रता होने से मैं ध्यान करने वाला जो ध्याता ऐसा भेद विकल्प नहीं है उसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र। हरी गुणवान कहते हैं पीछे विकल्प उठते हैं राग दया दान भक्ति प्रसादी के शुभ अशुभ राग भी पर वो स्वरूप तर्क की दृष्टि हुई और स्वरूप आचरण की एकाग्रता हुई वो कायम रहते हैं। समझ में आया स्वरूप आचरण सम्यक दर्शन पूर्वक ज्ञान हुआ दैतम योग अखंड ज्ञान मूर्ति सम्यक दर्शन इसको कहा कि सारा एक रूप चैतन्य ज्ञाय भाव भूतार उसकी अंतर आश्रय करना तो वो सम्यक दर्शन के काल में ही प्रतीत हुआ सम्यक ज्ञान हुआ और इतने उसे फिर भी हुआ स्वरूप कर्म की लीनता वो स्वरूप आचरण चारित्र में भेद लक्ष्य में नहीं आता एक इला अभेद
भेद ये ऐसा भी विकल्प नहीं है। बात है उसमें कभी धर्म की प्रथम सिद्धि कैसे प्राप्त होती है उसने कभी लिया ही नहीं। बाहर में घुमाया होना भी सही है। अरे तो उम्र भी होती हो रही है कि नहीं? क्यों रतनलाल जी कहते हैं जो वो दौलत राम जी सब ढाला में ऐसे कहते हैं ये साधारण दस्तों को कंठस्थ होता है, है? उसका अर्थ क्या होता है? खटखट होते है शुरू क्या है कंठस्थ कर दे पर वो सोता नहीं जाए। क्या चीज है भगवान सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ वितराग देवा देवे कहा दौलत राम जी छठी ढाला में स्वरूप आचरण का स्वरूप स्वरूप आचरण का स्वरूप पहले लक्ष्मी भी आया नहीं क्या चीज कैसे प्राप्त होती है तो कहते हैं पुण्य पाप की रुचि तो छोड़ दे पाप में लाभ नहीं पुण्य स्वभाव में लाभ नहीं पाव में देह की क्रिया से मेरी क्रिया है नहीं और एक वर्तमान समय में विकार विकास ज्ञान का अल्प है वो भी इतना में नहीं उसको भी अंतर्मुख वाल कर शुद्ध चैतन्य स्वभाव में एकाग्र होते हैं शुद्ध उपयोग की प्राप्ति होती है उसका नाम प्रथम सम्यक दर्शन सहित स्वरूप आचरण चारित्र कहने में आता है। सुभद्र नहीं क्या क्या रतन पर मत मोड़े नहीं कहीं नहीं तुम्हारा रतन में मोड़े नहीं पैसा में मोड़े नहीं पैसा तो क्या इसका है पर क्या पैसा होए ने बहुत पैसा है उसके मामा पास ही उसके पास मामा पास पैसा है उसके पास ममता है उसके पास तो पैसा नहीं आते कभी आत्मा पास आते तो दूर रहते मेरा है इतनी ममता उसके पास आया क्यों चेटिया उस चीज तो आती नहीं है चीज तो दूर रहती है तेजूरी तो जड़ है पर है उसमें तेजूरी में रहे उसमें क्या आया आत्मा पास क्या आया आत्मा माना मेरा है इतनी ममता उसके पास आई बराबर है भैया आई तो कहते हैं कि ममता का परिणाम से रहित और दयादान का सुविकल्प से भाव से रहित ऐसी चीज जो खंडानंद प्रभु है उसकी दृष्टि करने से स्वरूप में एकाग्रता होती है तब ऐसा भेद लक्ष्य में नहीं रहता आया प्यारे सम्यक दर्शन में स्वरूप आचरण प्रथम भूमिका प्रकट होती पीछे ऐसी दशा पीछे उपयोग की नहीं रहती है पर स्वरूपाचरण ने दृष्टि जो हुई है वो कायम रहती है इसे शुभ भाव आवे दया दान भक्ति तो उसको पुण्य समझे सम्यक दृष्टि को पाप भी आता है कमाने का विषय का आदि तो उसको पाप समझे पाप पुण्य को अपना ज्ञान में पर तरीके समझे अपना स्वरूप में पुण्य पाप को एकत्व करते हैं नहीं अपनी खोज में पड़ा आत्मा अपनी खोज करते हैं जो स्वरूप प्रकट हुआ उसके साथ पुण्य पाप का विकल्प को मिलाते नहीं होता है समझ में आया होता है पर अपना शुद्ध स्वरूप ज्ञाता दृष्टा का भान हुआ सम्यक भान में उसकी साथ विकार को मिलाते नहीं एकत्र होते नहीं
चाहे तो कुंती की लड़ाई में पड़ा हो, हाथी के हुदे राजकुमार हो और आत्मभान हुआ हो, राजकुमार हो उनका मौत हो, लड़ाई में भी ऐसे चले, तो भी अंतर में सम्यक प्रतीति अनुभव की और स्वरूप आचरण फिरता तो कभी छूटता नहीं उसका। समझ में आया? अज्ञानी आत्मा का भान बिना दयादान व्रत का विकल्प में पड़ा है तो भी उसको स्वरूपाचरण सम्यक दर्शन का अभाव है। माचे कि विकार का ये किला स्वामी है। समझ में आया? जाता नवे आत्मा का स्वभाव ही कर्म। देखो भगवान आत्मा, आत्मा का स्वभाव तो ज्ञान में आनंद है। ये ज्ञान आनंद में एकाग्र जब हुआ स्वरूप चारित्र में स्वरूपात्र में, तब शुद्ध स्वभाव की पर्याय सम्यक दर्शन और स्वरूप आचरण का भाव जो प्रकट हुआ वही आत्मा का काम। ये आत्मा का काम, काम नाम कर्म, कर्म नाम कार्य। है कि नहीं भैया? देखो आत्मा सिद्ध भाव, आत्मा का स्वभाव ही कर्म, कर्म इतने कार्य। पास विकल्प दृष्टि में से छूट गया रुचि में से, देखी क्रिया तो मेरी है ही नहीं हो तो रुचि छूट गई, पर अपना स्वभाव का अनुभव काल में स्वरूप आचरण के काल में शुद्ध भाव का पर्याय प्रकट हुई। शुद्ध वो शुभ अशुभ नहीं, शुद्ध भाव, शुद्ध भाव स्वभाव के आश्रय से शुद्ध भाव प्रकट हुआ, वो आत्मा का कार्य। ये आत्मा का कर्म, ये आत्मा का कर्तव्य। और किदेश आत्मा करता, इस समय में किदेश चीज नाम ज्ञान का ईश्वर आत्मा, किदेश ज्ञान का ईश्वर भगवान अपना आत्मा, कोई इस शुद्ध भाव का करने वाला, इस शुद्ध भाव का करने वाला विकल्प राग मंद था कि मन है तो वो शुद्ध भाव प्रकट हुआ, ऐसा नहीं। धीरे से समझने योग्य चीजें आनंद काल में इसने किया ही नहीं कभी। एम ने जिंदगी घुमाई, चले गए 84 अवतार में, तो पुण्यादि किया हो, स्वर्ग आदि एकाद भव मिले, मिथ्या दृष्टि पना रहा, यहाँ से निकल पशु योनि करके जा नरक निगोद में। भैया ओह, कोई रचकन भी साथ में आने वाला नहीं, बेका बेका दूसरी तो क्या चीज रही है। यहाँ तो कहते हैं कि शुभ शुभ भाव हुआ हो तो भी साथ में तो नहीं रहते हैं, क्यों हुआ हो उसका बंद पड़ गया रजकन जड़, उसकी पर्याय में साथ नहीं। अपना स्वरूप जिज्ञान आनंद शुद्ध है, उसकी अंतर्दृष्टि और स्वरूप आचरण प्रकट किया, वो साथ में रहते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कि आत्मा ही करता है भगवान आत्मा। आई तो समझाते तीन, बोलो तीन भी क्या नहीं रहते हैं। विचार में तीन पन नहीं रहते हैं कि मैं करता, आत्मा करने वाला, शुद्ध भाव मेरा कर्म, अने मेरी चेतन की निर्मल पर्याय हुई मेरी क्रिया। क्रिया ऐसा तीन भेद अंतर स्वरूप आचरण काल में तीन भेद लक्ष्य में नहीं रहते, होता है। भैया
क्या कहते हैं देखो, कर्ता चेतना, चैतन्य स्वरूप आत्मा ही क्रिया होता है, आत्मा क्रिया, चैतन्य स्वरूप आत्मा क्रिया। तो कहते हैं कि क्रिया है कि नहीं आत्मा धर्म की, क्रिया होती है कि नहीं, है क्रिया, पर कई क्रिया। रतनलाल जी पुस्तक है रखा ने, देह की क्रिया ही धार्मिक क्रिया नहीं, अंदर दयादान व्रत का परिणाम पूजा का उत्पन्न वो धार्मिक क्रिया नहीं। हे भैया कुछ क्या देखे, चेतन स्वरूप आत्मा ही क्रिया, चेतन स्वरूप आत्मा ही क्रिया होती है, ये आत्मा ही परणमन करते हैं कहते हैं। भगवान शुद्ध प्रभु वो ही अपनी परिणमन पूर्व का राग का अभाव होकर स्वभाव की शुद्ध रूपता, चैतन की परिणति रूप क्रिया, वो आत्मा की क्रिया है। मूलचंद जी है उसमें, कभी वाचो तो ठीक कहते हैं डॉक्टर, के रोज पाठ करते हैं, पाठ करते हैं हो आप, तो पहली शादी हिंदी भाषा है, हैं? आ तो दौलत राम जी हवा बुद्ध की थी, बुद्धन की तो वो ऐसी करता, यहाँ बहुत पशु उसमें बनाया, वो में ऐसा नहीं है, वो भी हम देखते हैं बुद्धन की गाव आती है, वो बुद्धन की गाव उसमें से बनाया, आ तो बहुत स्पष्ट बना दिया शास्त्र में से, सार 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 थोड़ा लेकर बना दिया सार। वो कहते हैं भैया तेरे अनंत काल में स्वरूप आचरण रूप धर्म क्रिया कभी नहीं हुई, ऐसी है तो तुम्हारा हाथ में तो पुस्तक पड़ा है, पांच आ गया बच्चा तो कुछ कर अब पांच आ गया ना, समझ में आया, वो तो खरा। एक दौलत राम जी कहते हैं कि जब अपना शुद्ध स्वरूप उन पाप का विकल्प का लक छोड़कर स्वरूप की दृष्टि करने के काल में उसकी चैतन्य की क्रिया परिणति शुद्ध हुई रहती है, राग अपनी क्रिया ऐसा रहते नहीं। भैया तरंजन जी है मूल बात है अहिया, देखिए आज लिया की बात नहीं तो हिंदी लो भैया, आज तो हिंदी लो अचारे दोपहर को गुजराती, समझ में आया, नीम सार चलेगा गुजराती। आई कहते हैं चेतना क्रिया होती है कि भगवान ज्ञान स्वरूप प्रभु वही अंतर्मुख दृष्टि करने के काल में स्वरूप आचरण स्वरूप का अनुष्ठान स्वरूप का अनुष्ठान उसमें चेतना की निर्मल ज्ञानानंद की क्रिया रहती है, वो क्रिया कर्ता आत्मा और वो ही कर्म कार्य क्रिया, क्यों पलटन हो ना, पलटन पलटन है क्रिया, क्रिया होता है कर्ता कर्म किया या तीनों भेद रही एक अखंड हो जाते हैं। बस अहिया भी तीन तो समझाया, पर अंतर्दृष्टि काल में स्वरूप आचरण काल में अनुभव काल में तीन नहीं रहते, तीन एक रूप हो जाता है, आ कर्ता आ कार्य आ क्रिया ऐसा तरण भेद नहीं रहते, तरण भेद हो जाए तो विकल्प उठते हैं। युवा आ पहले सुन कराया सिद्धम प्रवी सिखाया समझ में आया, सिद्धम प्रवी उसमें वो लिखा है, उसमें समझ में आया अनंत अनुमंदी किसको कहते हैं, लिखा है उसमें
जो स्वरूपार्पण चारित्र कोष को कहते हैं, शुद्धात्मानुभव की अविनाभावी चारित्र विशेष को स्वरूपार्पण चारित्र कहते हैं, ऐसा लिखा है। किसे है लिखा है? अनंत मंदिर किसको कहते हैं? अनंतानुमंदी क्रोधमान माया लोग किसको कहते हैं? ये आत्मा का स्वरूप आचरण चारित्र को घात करे उसको अनंतानुमंदी क्रोधमान माया लोग कहते हैं। बड़ा उखला हो अब तो जन सिद्धांत प्रवीण का बालक मैत्री बनाया उसमें से है वो गोपाल दास बढ़िया है उसने बनाया था। आज तो शास्त्र में से निकाला है राजगंज का घर का है कुल की बात हमका आर्थगम नहीं पढ़ा। आर्थगम क्या आया क्या सब वो एक बात तत्व की बात है कहते हैं वो कहते हैं शास्त्र कहते हैं। हाँ हाँ पर पहले इतना तो निश्चय होना चाहिए कि नहीं कि आत्मा प्रथम धर्म पाते हैं तब राज की एकता है। इतना टूटते हैं तो इतना स्वरूप में एकाग्र होता है कि नहीं तो न्याय से समझना चाहिए कि नहीं। अनादि काल का आत्मस्वरूप शुद्ध ज्ञान आगमन कण की पुण्य पाप का विकल्प में अशुभाशुभ में आचरण में है ये तो अनादि काल का है। अरे जब उसको धर्म प्रकट होता है तब क्या प्रकट हुआ उसको? शुभ अशुभ भाव प्रकट हुआ वो तो है अनादि से। शुभ शुभ राग है उससे हटकर शुद्ध चैतन्य में एकाग्र हुआ तो शुभाशुभ परिणाम से रहित स्थिरता थोड़ी हुई और स्वरूप की प्रतीत हुई उसका नाम स्वरूप आचरण चारित्र सम्यक दर्शन काल में पहला होता है। हा न हो तो शुभाशुभ भाव में एकता है तो अनादि काल की है। शुभाशुभ भाव उनका भिन्न है ऐसा भान हुआ तो राग से रहित स्वरूप की स्थिरता का उस प्रगत में हो तो एकाग्र हुआ किस में? राग में तो एकाग्र था अनादि से। शुभाशुभ राग में एकाग्र तो अनादि का है वो नई चीज नहीं वो तो अनंत काल से करते आए। पुण्य पाप स्वर्ग नर्क मिलते ही है। गुजराल जी क्यों दूर बैठे? समझ में आया? समझने की चीज है। पैसा पैसा बहुत आते हैं बहुत जाते हैं हमारा हाल उनके पुण्य कारण से आते हैं जाते हैं आत्मा के कारण से क्या आते हैं? आत्मा के कारण से आते हैं। देखो आत्मा के कारण से शुभ शुभ भाव मेरा वो आत्मा के कारण से मिथ्या भ्रम होता है। आत्मा पुण्य पाप का भाव रहित शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ ऐसी दृष्टि में शुद्ध भाव का होना विकार की इच्छा छूटकर शुभ की इच्छा होना वो आत्मा से होता है। वो कहा न सीधे करता सीधी ज्ञान मोहित भगवान आत्मा है। ज्ञान का ईश्वर हो पैसा का ईश्वर नहीं लड़का का मकान बिल्डिंग आ बिल्डिंग का स्वामी नहीं आता घर माटी दूर है अजी तो है यहाँ तो कहते हैं कि भगवान एक समय में शुद्ध स्वरूप पवित्र स्वभाव की दृष्टि हुई सम्यक दृष्टि शुभ शुभ भाव होता है उसका स्वामी नहीं रहता। उसका स्वामी नहीं रहता दूसरा का स्वामी है ही क्या? समझ में आया? अरे अनंत काल में वितराग परमेश्वर त्रिलोक नाथ तीर्थंकर देव वितराग परमेश्वर है। ये तो वितराग भाव की बात करते हैं। ऐसी बात जय परमेश्वर शिवाय अन्य में कभी तीन काल तीन लोक में ऐसा एक शब्द नहीं एक न्याय भी नहीं होगा। समझ में आया? ऐसा सर्वज्ञ परमेश्वर त्रिलोकनाथ सौ इंद्रनी उपस्थिति हाजरी में समोह शरण में भगवान की दिवधनि में आया। अरे आत्मा अनादि काल से अस्वरूप आचरण क्यों किया है? देह का आचरण तो किया ही नहीं उसने। देह
पेटाचरण धड़काचरण परकाचरण तो किया, पर क्या किया? अनादि काल से शुभ ने अशुभ राग का आचरण किया मिथ्या दृष्टि में। दूसरा स्वरूप आचरण में किया, पर का आचरण में किया, नकली शरीर का कुछ में किया, डर का आचरण नहीं कर सकते आत्मा, स्वरूप का आचरण किया नहीं आनंद काल से, तो किया क्या आनंद काल से? निरोध से मानकर नवमी गृह तप, शुभ ने अशुभ भाव विकारी भाव उसका आचरण करके मैं कुछ ठीक करता हूँ ऐसी मिथ्या दृष्टि से और स्वरूप आचरण किया है। बराबर है। हमें कैसे भैया, अरे समय आया तेरे, आकार आया तेरे, मनुष्य मिला भगवान, उसकी रीत तो समझ ले, उसकी रीत पद्धति विधि क्या है तो समझ ले, समझे पीछे प्रयोग में प्रयत्न में मुकेगा, समझे बिना प्रयोग फिर से करेगा, समझ में आया? कहते हैं भगवान आत्मा अनादि काल से जो अस्वरूप आचरण, और स्वरूप आचरण का अर्थ कि शुभ शुभ विकारी भाव उसका वर्तन किया, वर्तन किया, आचरण किया, अनुष्ठान किया, ये अस्वरूप आचरण है। ये अपना स्वरूप का आचरण विभाव आचरण है। कोई किया है ना भैया? दुकान वुकान का किया नहीं कुछ? हम कहते हैं कौन कहते हैं, कौन कहते हैं? कोई दुनिया कहते हैं झूठ कहती हो, भगवान कहते हैं तेरे राग द्वेष का आचरण सारा चौबीस कला तुम करते हैं, जड़ का कर सकते नहीं, कांच की पापड़ भी ऐसा फेर सकते नहीं, तो जड़ है उसका क्या करे तुम? करजन जी भाई भाई बात कौन गायन गाते ये तो वाणी का आवाज निकलने की जड़ की क्रिया है, अंदर विकल्प आता है जरी भजन करने का शुभ भाव, बस इतनी मर्यादा। वो जड़ के आचरण होता है बोलने का पग ऐसा संतगण होता है, जड़ के पर्याय है जो तो आत्मा कर सकता है। रूप सिंह जी भाई बात भाई, डॉक्टर कहते हैं उत्तर में ऐसा सुनने में नहीं आते। बीजे मूर्ति ने सांभवा हाथू ताजी तो लिखा था उसने बात आ है वो तो बाहर की ठीक है, समझ में आया? गाना का फूल के आया या नहीं है? कहते हैं अरे भगवान ये कभी स्वरूप आचरण कैसे होता है उसका तेरे लक्ष्य में पंचे लिया नहीं, और हम कहीं करते हैं करते हैं करते हैं ठीक करते हैं ऐसे ऐसी बफम्मा ब्रह्मा की जिंदगी चली गई। क्या मन सुख भैया आ तुम्हारा बापा ने उड़ा दीदी बुद्धि आ त्रिवर्ती रात रह नोता खता ना लीलूत्री नोता खता ना है, पर ये कबूल करे तो बात खा दी। अरे भगवान बापू तू कौन चीज है, तेरे तेरा स्वरूप आचरण अनुष्ठान तेरी किया क्या? देह की क्रिया तेरी नहीं ना, राग विकल्प उठते हैं वो भी विकारी क्रिया तेरी चीज मूल नहीं है, इसी तो किया चेतन उसकी क्रिया है। भगवान ज्ञान मूर्ति प्रभु उसकी अंतर में सन्मुख दृष्टि करते हैं, चेतन का परिणमन विकार की रुचि छोड़कर चेतन का परिणमन क्रिया हुई वो आत्मा की क्रिया है, वो आत्मा की क्रिया ओ स्वरूप आचरण रूप भाव ओ शुद्ध भाव, समझ में आया?
कि तीनों भेद रही एक अखंड देखो, बस राज तो नहीं, पुण्य पाप तो नहीं, पर मैं आत्मा शुद्ध भाव ओ मेरा काम करता तिदेश हूँ आत्मा, चैतन की परिणति निर्मल हुई किया। तीन भेद भी लक्ष्मी नहीं रहते हैं, तब निर्विकल्प अंदर अभेद दृष्टि होती है, उसको स्वरूप आचरण चारित्र कहते हैं। कभी सुना ही नहीं भैया, वितरा का मार्ग में आया हम भगवान भगवान। तो बताते हैं उसको, तो बताते हैं बस किया था उसने, प्यार का ख्याल है उसका, तुम वक्त लेना चाहिए थोड़ा थोड़ा, या वे ऐसा नैसा थोड़ा जाजा एक टी बजी वक्त पहने में थोड़ा थोड़ा कहते हैं। हाँ चीज, ओहो हो, अनंत काल में रेदी चीज जो करने की चीज का ख्याल भी नहीं, समझन भी नहीं, रुचि भी नहीं, तो प्रयोग कहाँ से करेगा? समझ में आया? आज आते हैं ना तुम्हारे से मारवाड़ी कोई चीजें उनकी होती है, उनको नाम ही नहीं होते ऐसी चीजों की, कैसे देखे कैसे करना है वो मारवाड़ी को चीज आती है ना उनकी राजा देवी बता बहु ऊंची बना था मारवाड़ी, सुना था आपने क्या खबर सोच चुके, पर ये कैसे विधि होती है ये विधि की खबर नहीं बनाए क्या? समझ में आया कि हमारा सिरा बनाना है, सिरा भाई लो चलो सिरा कैसे करना, लो पहले आता है ना घी में सेकना और पीछे गुड़ का पानी नाखना, पर नीच करता घी बच जाए ऐसे, तो क्या करना तो गुड़ का पानी पहले नाखना, आटा में गुड़ का पानी पहले नाख कर बराबर आटा सिर जाए तो घी नाखना, गुड़ के पानी में आटा सिक कर घी नाखना, सिरा होगा? घी की खबर नहीं तेरे, सीरा नहीं होगा लूपरी होगा, लूपरी समझते हैं? आप थोड़ा ऊपर नहीं होते है, थोड़ा ऊपर है थोड़ा में बांधने का नहीं आते हैं, क्यों थोड़ा में बैरा कहे वो लूपरी बनाते हैं कहे कि जो बहन वो उसने वो के जाता वो तो हमारी भाषा से गुजरत समझ हो जी करी, हमारी भाषा में जातू वो तू की नाखू जातू वो तू इतने समझे तुम्हारी भाषा होगी तू जातो मल तो इतने घी बहु पर न पड़े अने घी बिल्कुल न पड़े हम बन नहीं थोड़ो 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 जो बहु विशेष जो हो तो वकरी जाएगा, बिल्कुल घी न हो तो पोटी नहीं होगा, इसलिए हमारे एक भाषा से बहु हाउ ने कह बोला हाउ बहु ने कहने चाहिए उनके जो वो आप पोटी बनाए तो जातो वल तू घी ना सू जातो वल तू जाता हूँ तुम्हारी कोई भाषा होगी हिंदी में हमको खबर नहीं है कि ऐसा थोड़ा रह पर नहीं थोड़ा बिल्कुल न रह पर नहीं और बहुत रह जाए पर नहीं ऐसा हो तो नूपरी होगी आ तो पहले दूर के पानी में आता देते फिर घी डालते सीरा नहीं होगा लूपरा ही नहीं होगा विधि की खबर नहीं ऐसे अपना सन्यक दर्शन चारित्र स्वरूप आचरण कैसे प्रकट होता है खबर नहीं करने दे हमारा आत्मा ऐसा हमारा आत्मा ऐसा क्या आत्मा आत्मा ऐसा समझ में आया तो कहते हैं ओहो भगवान आत्मा संगत दर्शन ज्ञान चारित्र तीन चीज है सीरा में भी तीन तीन चीज होती है ना आई रहा भी देखो सीरा में तीन चीज आती है ना आटा घी और शक्कर के गुड़ यहाँ आई जाए देखो ये तीन चीज आई जाए ये हो जाते हैं भगवान आत्मा ज्ञाता ध्यान ने देह का भी विकल्प नहीं भेद नहीं रहते और कर्ता कर्म ने क्रिया का भी भेद नहीं रहते क्या रहते हैं बाधा रहित हो जाते हैं
अभिन्न अखंड एक स्वरूप हो जाते हैं। शुद्ध उपयोग को निश्चय पर्याय देखो, आत्मा का शुद्ध व्यापार, पुण्य पाप का व्यापार अशुद्ध व्यापार है, वो तो बंद का कारण है। यहाँ तो मोक्ष का कारण वर्णन करना है ना, तो कहते हैं कि शुद्ध व्यापार, शुद्ध उपयोग की निश्चल पर्याय, जो पर्याय है वो शुभ शुभ राग था विकारी पर्याय थी, उसको छोड़कर ज्ञाता स्वरूप चिदानंद का एकाग्र होकर शुद्ध पर्याय प्रकट होती है। ऐसा किया देखो भाषा कैसा लिया है, शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा प्रकट, प्रगति की दशा अनादि की दशा नहीं थी, वस्तु अनादि की थी, ज्ञान आनंद शुद्ध अनादि की चीज थी, तो हम तक एकाग्र हुआ तो शुद्धता प्रकट हुई, शुद्धता पर्याय में प्रकट हुई, पर्याय प्रकट हुई, उसका नाम स्वरूपाचरण, उसका नाम संवर निद्रा, उसका नाम शुद्ध उपयोग, उसका नाम संयम दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग कहते हैं। समझ में आया है? मा करे पर एने दीदी आवड़ी जो ने नो करे नहीं करे आ दो कीधु नहीं करू संजूस भाई हो जाओ भाई हम तेरा सौगा बताओ कर देते हैं। सौगा समझे सौगा कहते हैं आई कह छे पण हूं कहू छे पण खाना कोई को के गुरु खाई दे पर खावानी क्रिया कुछ जे करे खाए आई तो कहते हैं कि आत्मा करे ना अपना अनुभव अपना भोग भोग में आता है, पर्याय अपनी भोग में भोगता आत्मा, दो भेद भी अंदर अनुभव में नहीं है, आई तो कहते हैं दूसरा तो नहीं, दूसरा तो नहीं, पर उसका आत्मा मैं आत्मा आनंद स्वरूप अतिंद्रिय उसकी दृष्टि ज्ञान हुआ पहले तो आत्मा करता न आ कार्य न आ मैं भोगता ना भोग्य, ऐसा भेद भी क्या रहते नहीं, दूसरा तो भोगता नहीं दूसरा तो भोग्य नहीं, पर अपने में भोगता भोग्य भेद नहीं रहते। समझ में आया? प्रथम स्वरूप की दृष्टि होने के काल में ऐसा होता है, पीछे दृष्टि रहती है स्वरूपाचरण भी रहते हैं, शुभ अशुभ राग होता है, धंधा में भी देखने में आवे संकीति, भोग में भी देखने में आवे तो राग है, जमते हैं पाप है अपुण्य है, पृथक रखते हैं अपने में साथ जुड़ान नहीं करते हैं, ऐसा भेद ज्ञान हुआ, वो भेद ज्ञान हुआ ही हुआ। पर्वत में एक बिजली का प्रहार हुआ और पत्थर दो भाग हो गया, वो रैन से एकता नहीं होता पीछे, रैन कहते समझ जुड़ी जुड़ी नहीं जुड़ता पीछे जुड़ते लाकड़ा वाला करना यहाँ जुड़े पत्थर बड़ा, ऐसे भगवान आत्मा ज्ञानानंद का स्वरूप प्रभु पूर्णानंद प्रभु पुण्य पाप का राग है, एक बार अंतर भेद हुआ एक नहीं होता। समझ में आया? प्रवृत्त होती है देखो भाषा है ना, तीनों अभिन्न अखिन्न शुद्ध उपयोग की निचल दशा प्रगति जहाँ द्रव ज्ञान व्रत ही तीन दाय के लखा। मोहन जी कितना काल से मोटे एक नहीं है कंठ से नहीं कंठ से है मुंशी जी को याद किता करते हैं पर अर्थ नहीं समझते, अर्थ नहीं समझ अर्थ सुनिए बिना भाषा क्या इसमें क्या करते, वो पोपट को दिए पूरी बोल पोपट रघुराम ये जाने का आ रघुराम होगा पूरी रघुराम पूरी देते पूरी 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 और सिंह का दाना तो मूंगफली कहते हैं मूंगफली दे बोल पोपट रघुराम रघुराम लो ये जाने का रघुराम होगा ये पूरी है ना वो दाना रघुराम होगा
भान में रघुराम कौन ना कौन आ तो कूड़ी है ना दाना है ए माने भान नहीं क्या आत्मा है क्या कहते लो किनो किन्न भिन्न शुद्ध उपयोग की निचल दशा से क्या अपन भाषा है तो भाव है उसमें कुछ समझ में आया कि प्रकट होती है जिसमें सम्यक दर्शन देखो सम्यक ज्ञान जो व्रत का अर्थ है यहाँ सम्यक चारित्र का भाई शब्द में व्रत बुझो से तथा क्या सम्यक दर्शन स्वरूप दृष्टि में काल में शुद्ध श्रद्धा हुई शुद्ध ज्ञान हुआ और आचरण रूपी व्रत चारित्र हुआ ये व्रत नहीं है चारित्र स्वरूप की स्थिरता हुई निश्चय व्रत है पंचम गुण स्थान योग बार व्रत का विकल्प आता है पर वो शुभ राज है समझ में आया अंतर में एकाग्र होकर जितनी शांति में स्थिरता प्रकट हुई कोई अपना स्वरूप चारित्र आचरण खड़ा मुख्य का कारण है समझ में आया अरे तो पुस्तक कितना बार पढ़ गया है अभी नवनीत भाई तरफ से 15,000 पुस्तक बार पढ़ गया हूँ कठारा मफत में की बहुत 15,000 में कितना है 15,000 आतंदर में सम्मत सुंदर बहुत सही है नवनीत भाई ने सारा संतुष्ट है उसकी स्मृति है बहुत प्रभावना देख लगी देखता है आदि व्याख्यान होता है उतारना उसके तरफ से बार बार मैं कुछ व्याख्यान कंटोस से बहुत वर्ष है कंटोस से बहुत वर्ष से कहते व्याख्यान करो व्याख्यान करो और तो बहन कहते थे वस्त्रा जी नहीं आप गंगवाल वस्त्रा जी गजरा जी मुस्लिम भाई वस्त्रा जी की नवी स्त्री है ना नवी वो नाम मनसुला मनसुला मरीज कहते थे यहाँ पर आवे अभी आया नहीं रह गए क्या वो भी कहते भैया सरदार का व्याख्यान होना चाहिए तो चलते हैं यहाँ इतने मिले कहाँ क्या संसार में इतनी झंझट ओ कहते हैं भगवान आत्मा वो ये कड़ी में कितना भर दिया है हैं बहुत भरे है कि नहीं भैया हाँ दौलत राम पंडित कौन पंडित अपना घर की क्या बात हो तो अपनी भाषा हिंदी में जोड़ दिया भाव तो भगवान का है जो परमार्थ समाधि चल से चला है वो भाव है कहते हैं जब भगवान आत्मा स्वरूप की दृष्टि करके स्वरूप का आचरण करते हैं तो तीनों आ गया उसमें सम्यक दर्शन भी आ गया शुद्ध स्वभाव की प्रति ज्ञान आ गया अनुभव आत्मा ऐसा ज्ञान और स्थिरता हो गई चारित्र समझ में आया आ स्वरूप आचरण चारित्र मोक्ष का मार्ग है बंधन से छूटने का आ एक ही उपाय है बाकी सब बंधने का है ज्ञान की तीनों एक रूप अभेद रूप है स्वभायमान होते हैं लसाकार के जाते हैं स्वभायमान होते हैं भगवान आत्मा ये 8 वर्ष की लड़की को भी स्वरूप आचरण होता है सम्यक दर्शन होता है सब समझ में आया इसमें क्या है मंडू को भी होता है इतना क्या कहते मेंढक मेंढक भेद ज्ञान करते हैं ये भी छोटा भी बड़ा भी तो जड़ है उनका आपका राग विकार है उससे मेरी चीज भिन्न है ऐसी दृष्टि में एकाकार होकर उस समय में दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों शुभायमान होता है ये अर्थात वो राग का आचरण ही स्वभायमान नहीं राग मेरा ही श्रद्धा स्वभायमान नहीं राग का ज्ञान ही स्वभायमान नहीं राग का ज्ञान हो पुण्य पाप का ज्ञान सुबह शुभ मेरी
चीज की प्रति शोभा मान नहीं तो मिथ्या है। शुभा शुभ राग का ज्ञान भी मिथ्या ज्ञान है और शुभा शुभ राग भी मिथ्या आचरण है, तीनों शोभायमान नहीं, अशोभायमान। अंतर्मुख होकर शुद्ध स्वभाव, पवित्र स्वभाव पहले संत समागम से समझ लिया हो, सुना हो, इसके अंतर प्रयोग में मुक्त काल में शुद्ध श्रद्धा ज्ञान शांति हुई, कोई शोभायमान चीज है, कोई मोक्ष मार्ग से शोभायमान अपनी दिशा आयु श्रृंगार आत्मा को श्रृंगार किया। हाँ 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 हाँ, समझ में आया। पाप तो और श्रृंगार है, उन पाप का बंधन भी जर है, उसका फल भी दूर बाहर का संयोग है। क्या आया उसमें, ये तो पक्की भावात्मा है, अर्थ है जो थोड़ा कर्म किसको कहते हैं, कर्ता द्वारा हुआ कार्य, ऐसे नीचे नोट में है, कर्म कर्ता द्वारा हुआ कार्य नोट में है, कर्म की व्याख्या कर्ता द्वारा हुआ कार्य, तो आत्मा स्वरूप का कर्ता उसके हुआ शुद्ध पर्याय कार्य। तो दुनिया के हम दुनिया का काम कर दे, मकान का काम कर दे, दुकान का काम कर दे, पैसा का काम कर दे, तेजूरी का काम कर दे, बोलने का काम कर दे, हलने का काम कर दे, हराम है तेरी चीज में वो हो तो, तेरी चीज में तो राग द्वेष का परिणाम का तेरा कार्य ज्ञान से है। स्वभाव में कर्ता द्वारा किया कार्य शुद्ध पर्याय प्रकट हो, श्रद्धा ज्ञान में स्वरूप आचरण, कोई कर्ता आत्मा द्वारा आत्मा की क्रिया वो कार्य, कर्ता स्वतंत्र रूप से करे सो कर्ता, देखो व्याख्या, स्वतंत्र रूप से करे सो कर्ता, उसका क्या है या भगवान आत्मा राग की मंदता का साय लिए बिना, कसाई की मंदता पहले थी विचार में, आ आत्मा ने ऐसा ऐसा, उसकी साय लिए बिना अपना स्वतंत्र स्वभाव से शुद्ध भाव को करे वो कर्ता कहने में आता है। क्या तो अपने कर्ता करने विचार में बहुत बार आ गई, कर्ता मिसाल में भी सरकार व्याख्या चलती है, मिसाल में नहीं किया हेड मास्टर वो कही जाए न्याय मारे, कर्ता स्वतंत्रपणे करे सो कर्ता, कर्ता का इष्ट सो कर्म, ऐसा आता है। तो धर्मी कर्ता अपना स्वभाव का अपना इष्ट अपनी शुद्ध पर्याय, धर्मी को पुण्य पाप इष्ट है नहीं, तो पुण्य पाप का बंधन में बंधन का फल सम्यक दृष्टि को ही सहे नहीं। हाँ हाँ हाँ, समझ आया, कर्ता स्वतंत्रपणे करे तो कर्ता, कर्म लीन कर्ता द्वारा हुआ कार्य, नहीं तो कर्म कर्ता का इष्ट हो, कर्म ऐसे चलते हैं, करने वाला की प्रिय चीज वो कर्म, मिथ्या दृष्टि का करने वाला की प्रिय चीज विकार, सम्यक दृष्टि की प्रिय चीज निर्विकारी श्रद्धा ज्ञान है स्वरूप आचरण। बहुत बात बंद पड़ेगी, वितराग का मूल मार्ग था, बहुत रुक गया, फिर सच्ची बात आती है तो एकांत हो गया, एकांत राड़ी पांत पुकार पुकार करो, पुकार करो तुम्हारा पाप का, तुम पुकार अंतर में सुने वाला नहीं, समझ आया। क्रिया कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, जो देखो बैठा नीचे भैया, ऐसे
क्रिया कर्ता द्वारा होने वाली प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति तो आई, कई प्रवृत्ति देह की क्रिया की शरीर की वाणी वो नहीं, उन परिणाम की प्रवृत्ति की नहीं, अंतर स्वरूप में दृष्टि करके शुद्ध भाव की पर्याय हुई, कोई अपनी प्रवृत्ति, कोई अपनी प्रवृत्ति ये राग से निवृत्ति, वही अपनी प्रवृत्ति। समझ में आया? ये समय स्वरूप आचरण के समय ये मुंजरा शब्द लिया है, पर साधक लेना, साधक स्वरूप आचरण के समय जब आत्मज्ञान में लीन हो जाते हैं तब ध्यान ध्याता भी भेद नहीं रहते, वचन का विकल्प नहीं होता, वहाँ आत्मज्ञान में तो आत्मा ही कर्म, नीचे लिखा ही काय, आत्मा ही कर्ता, आत्मा ही का भाव क्रिया होती है, अर्थात कर्ता कर्म क्रिया ये तीनों बिल्कुल अखंड अभिन्न हो जाते हैं, अपना आत्मा ही शुद्ध कर्ता शुद्ध क्रिया ने शुद्ध परिणाम कर्म एक हो जाते हैं। ओ, 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 ओ। ऐसा तो यहाँ लिखा है स्वरूप आचरण में अनंतानुमंदी का अभाव के कारण, स्वरूप का आचरण का चारित्र का घात अनंतानुमंदी करते हैं, उनका आपकी प्रीति वो अनंतानुमंदी भाव है, वो स्वरूप आचरण का नाश करते हैं, भगवान आत्मा शुद्ध की रुचि का प्रीति उस स्वरूप का आचरण की उत्पत्ति करते हैं, और विघन करने वाला अनंतानुमंदी उसका नाश होता है। समझ में आया? एक पण बराबर समझे ने एक व्याख्यान, पण एक जाने ये सब जाने, एक बार जाने तो बदा तो जाने, पण एक के भाव समझने की दरकार नहीं, यानी पैसे दूसरा कहे तो हा तीसरा कहे तो हा, एकांत का अर्थ क्या? ऐसे होता है, दूसरे से नहीं होता है, उसका नाम एकांत, एक विधि से होता है दूसरी विधि से नहीं, उसका नाम अनेकांत, खिचड़ी बात नहीं आया समझे है, सुधरी बात, सुधरी बात नहीं है, फिर जा ग्रीक में सुदुपयोग की असर दशा प्रकट होती है, जिसमें संयक दर्शन समय ज्ञान समझ एक साथ एक साथ एक रूप होकर प्रकाशमान होता है, आया ऐसी अंतर स्वरूप की दृष्टि उनको आपकी रुचि देह की लक्ष्य छोड़कर स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान करके अंतर में आचरण करना, उसमें तीनों बोल सुंदर संज्ञान चारित्र आ जाता है, वही प्रकाशमान होता है, वही मुक्ति का मार्ग है, दूसरा है।